गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और करण भाई ने पार्टी चेंज कर ली। करण भाई विवेक भाई के साथ चले गए, उसके साथ हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। गाइस ये गद्दार निकला, मैं अकेला रह गया भाई। चलो चलो हम दोनों भाई ब्लॉग करते करते आगे तक पहुंचते हैं। चलो उधर नहीं भाई, कॉलेज इधर है। बता देते हैं, हमारे ना पूरे डीयू में ना नैक आ रहा है, मतलब वो रैंकिंग वगैरह देता है हर कॉलेज को। ये देखो उसकी वजह से कॉलेज में कितना चेंज आ गया, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पहले। और ये कॉलेज में फेस्ट चल रहे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट का आज फेस्ट है और कल है सीएस डिपार्टमेंट का। चल ना, वो कुछ जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है भाई। हाँ ये कुछ नहीं, छोड़ो ये आलतू फालतू डिपार्टमेंट की हम नहीं दिखाते। हाँ तो मैं आज भाई इंग्लिश सोसाइटी का है। और हाँ कल और परसों एनुअल फेस्ट है अपने कॉलेज का। एनुअल क्या आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। अभी ना उसकी डेकोरेशन वगैरह चल रही है और प्रिपरेशन वगैरह, तो वो दिखाते हैं आपको। यार प्रिपरेशन चल रही चारों तरफ। हेलो भाई कैसे हो? यार बताओ ना कौन आ रहा है आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो कोई नहीं आ रहा भाई, ये हमारे कॉलेज के नेताजी हैं। और नेम ऋषभ। हाँ आर्टिस्ट कौन आ रहा है? आर्टिस्ट कोई नहीं आ रहा भाई, सच में कोई नहीं आ रहा है। सच में नहीं आ रहा कोई आर्टिस्ट? कोई चार सिंगर आ रहे हैं, वही अभिनव शेखर शुगर। हाँ और कोई ईशान खान। यार बोले तो करण रंधावा आ रहा है। करण रंधावा पर अपने सबकी बात रुकी रही, कॉलेज से एक भी रुपये नहीं मिला। ओके ओके। स्पॉन्सर हमने आगे से ज्यादा स्पॉन्सर, तीन तीन चार से लाख के स्पॉन्सर थे हमारे पास, कॉलेज एक रुपये भी नहीं दिए। ओके so you can see the reality. okay bro, we'll meet you soon. तो देखो भाई हमको बिल्कुल पैसे नहीं मिले हैं। और एक अपना एक और दोस्त आ गया मयंक। मयंक योर मर्च इज विद मी। मर्च लेके आते मेरी। हां योर मर्च इज विद मी। हाँ शगुन के बैग में निकाल लियो। हाँ तो ये देखो प्रिपरेशन चल रही है, डेकोरेशंस बहुत तैयारियां चल रही है। और बाकी हम आपको अभी ग्राउंड जाके दिखाएंगे, वहां भी चल रही है। सो सी यू गाइस देयर। इसमें क्या लिखा है? मयंक कुमार। मयंक कुमार। तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी कैंटीन में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद विवेक भाई को चाउमीन मिल गई है और अब हम बैडमिंटन देखते देखते खा रहे हैं चाउमीन। और करण को कॉल कर रहे हैं, अपनी टी शर्ट लेने गया था अपने डिपार्टमेंट की। इसके बाद हाँ कहाँ पे भाई समा चुके हैं ग्राउंड पे और यहाँ चल रही है फेस्ट की तैयारियाँ जोरों शोरों से। वो देखो उधर लग रहा है स्टेज और यहाँ टेंट वगैरह स्टॉल्स वगैरह लगेंगे। तो देखो इतना बड़ा ग्राउंड है, टेंट पहले से आया था। हाँ भाई मेन स्टेज वो है ना, और ये हमारा दूसरा ब्लॉगर भाई विवेक। हाँ मेन स्टेज वहाँ पे है, ये देखो। बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं भाई। देखो भाई वहाँ पे बैठेंगे हम, मतलब जो हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना वहाँ पे हम बैठेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हम बैठेंगे, अभी बच्चे जरा खेलने वहाँ पे खेलने दो। हाँ। और बाकी आर्टिस्ट करेगा परफॉर्म वहाँ से। हम कहाँ बैठेंगे, हम तो लेजेंड हैं वहाँ। वो बोल तो दिया यूट्यूबर वहाँ बैठे, आर्टिस्ट वहाँ से परफॉर्म करेगा भाई। वो वहाँ से भाई नहीं भाई, ये वो बच्चे नहीं होते जैसे शादी वगैरह जब होती थी तो स्टेज लगता था दूल्हा दुल्हन के लिए और वो जब बच्चे जाके बैठ जाते थे वहाँ पे। नहीं, बस ये करण वही है। नहीं मामा बुआ के बच्चे नहीं, मामा बुआ नहीं, ऐसे ही कोई भी आ जाते थे भाई। वो छोटे छोटे बच्चे फिसल कूद रहे। हे हो गया, ओए यहां से कूद जाओगे मैं फिल्म मारते हुए। कल की वो कर रहे हैं अपनी रिहर्सल, इन्फ्लुएंस करना है ना सबको हम अपनी। हाँ एआरजी थोड़ी पूरा ड्यू, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर आके रिहर्सल कर रहे थे और हमारा भाई अब फ्लिप मार के दिखाएगा आपको। विवेक स्टार्ट, वो अपनी भी वीडियो बनवा रहा है। तो ये स्टेज हमारा, ये देखो ये रिहर्सल कर रहा है क्या? हाँ मैं कल के लिए रिहर्सल कर रहा हूँ। हाँ ये कल के लिए रिहर्सल कर रहा है। बस 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 चल ठीक है ठीक है। एक बहुत आवाज आ रही है भाई, रहने दे। ठीक है तो देख लिया आपने, ऐसी बहुत सारे करतब कर लेता है, बाकी आपको दिखाते रहेंगे बाद में। आपको बताया था एक दिन स्पेशली इसका व्लॉग बनाएंगे, जिस दिन हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होगा ना उस दिन पूरा एपिसोड निकालेंगे इसका। मैं नहीं कर रहा भाई। ये वो तो हो गई हमारी जगह, यहाँ पे बैठेंगे सारे प्रिंसिपल स्टाफ वगैरह बाकी वीआईपी वाले। बाकी और जगह घुमा लेते हैं आपको। ये देखो यहाँ चल रहा था अपनी आर्ट सोसाइटी का कंपटीशन, मतलब उन्होंने होस्ट किया था कंपटीशन और वॉल पेंटिंग कंपटीशन था। ये देखो वॉल्स पे कितनी प्यारी बना दी, डेकोरेशन हो जाएगा और बच्चों की स्किल्स भी दिख जाएगी। हाँ सो आपको एक एक करके सारी पेंटिंग्स दिखाते हैं जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। I don't feel right or
cold. I see the color, color, color through their eyes. Joy of little, little, little things in life. I can't fade, fade, fade up in the sky. Joy of little, little, little things in life. आकाश भाई जीत रहे भाई, तू बना भी रहा है भाई, कुछ हाथ से करके दिखा दे भाई, चेयर वगैरह चाहिए यार, चेयर चाहिए, ये देखो भाई बना रहे अपना, भाई लोग के ब्लॉग में फीचर हो गया भाई, कैनल बन गया भाई मेरा, थंबनेल आ जाएगा। Joy of little, little, little things in life. ये रही अपनी कॉलेज की आर्ट सोसाइटी, ये तो मैं आज ही डाल दूंगा, कल आएंगे नहीं कॉलेज देखने वाले, और ये अपनी टीम आएंगे जो कंडक्ट करवा रही है, नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं, चलो बाकी आपको आगे दिखाते हैं, छोड़ो इन सबको, ये सब चलता रहता है। वो देखो यहाँ कुछ और भी दिखाया है, कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से, ये देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं मूर्तियाँ, चलो चलते हैं। Hey guys, आपने टैलेंट कितना ज्यादा है बच्चों में भर भर के है, देखो भाई सर सोसाइटीज के फेस्ट चलते रहते हैं यहाँ, और ये अच्छी बात है यहाँ की, पूरी का फेस्ट स्किल डेवलप हो जाती है, खुल जाता है बंदा पूरा, ये इंटरप्ट कर रहा है दूसरा ब्लॉगर हमारे ब्लॉग को, दूसरा ब्लॉगर कोई नहीं, दिस इज फर्स्ट ब्लॉगर, ये हम इसको कट कर देंगे, डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल देंगे हम, डरते थोड़ी है, वही तो है विवेक भाई, डरते हम तेरे से, भले ही तेरे सब्सक्राइबर ज्यादा है कम है, कुछ नहीं छोड़ो हम नहीं डरते इससे, तरफ जहाँ सोसाइटीज इतना काम कर रही हैं, कॉलेज इतने फेस्ट करवा रहे हैं, बच्चे अपना हुनर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये नल्ले बेरोजगार छपरी भीखमंगे चप्पल चोर, देखो कैसे बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, ये देख कैंटीन वाले भैया तो साथ खुल रहे हैं, अरे ये तो अपने दोस्त है कैंटीन वाले भैया, कैसी आवाजें निकालते हैं यार, हेलो भाई कुछ काम कर लो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब बैठे हो बस ऐसे ही, बस भाई देख रहे हैं नल्ले लोग, जिंदे मैच हो रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, वाह वो कहाँ गया, वो भाग गया, कभी मुझे भी रोस्ट कर दें, ओए होए शर्मा गई का, मनोज भाई ओए मनोज 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 भाई, बाय 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 बाय, यूनिक भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मैं तो साथ में जाऊंगा भी भाई, हम तो बीकाजी जाएंगे ना, कहाँ जाओगे बीकाजी, शिवराज भाई बाय बाय बाय, चलो भाई आजा विवेक। सो गाइस हम कॉलेज से आने के बाद सो गए थे और अब उठे हैं, टाइम क्या हो रहा है 7, बजने में आधा घंटा, तो मतलब कि 6:30 7:45 यस, तो 7:45 फोन पे भी नहीं उठा, छोड़ो अभी नींद से बस पानी के 2-3 बूंदे डालते हैं और चलते हैं बाहर को घूमने। हाँ तो गाइस नोटिफिकेशन आ गया मेरे फोन में, 10% बैटरी है, और ये देखो अभिजीत भाई कितने बिजी है, हाँ इसका तो अलग ही सीन रहता है, छोड़ो इसे भाई बता दे तो गाइस आपको आपको क्या, हमें अभी याद आया उठने के बाद कि कल है हेमंत का बर्थडे, तो रात को हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो रात को 12 बजे काटना है केक, और हम उसे समझ नहीं आ रहा कैसे सरप्राइज दें या क्या करें उसके लिए, पर थोड़े थोड़े आइडियाज हम तीनों ने सोचे हैं, बस अब वैसे तो हमारा करने का मन है नहीं क्योंकि वो इतना कुछ खास है नहीं हमारे लिए, हाँ वही तो, तो फिर भी हम देखते हैं क्या करें, हाँ अब बस हम तीनों ने कुछ ना कुछ सोचा है तो बाकी देखते हैं, और अभी बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और नींद भी अच्छे से खुल जाएगी, तो हम बाहर घूम के आते हैं, तब तक सोच भी लेंगे क्या क्या करना है, चलो करण भाई चलो अभिजीत, हम घूमने के बाद हेमंत भाई के लिए लेने आ गए केक, वैसे हमने एक स्पेशल ऑर्डर दे रखा है वो ही आएगा, करण भाई करण कौन सा देखते हैं, चलो देखते हैं इसमें से।